हे गाइस नमस्कार, आप लोगों को टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले 27 फरवरी को होने वाले कक्षा 10 की विज्ञान में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों की चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे प्यारे बच्चों। और इससे पहले हमने दो वीडियो बना के रखा, यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो दोनों वीडियो का जो लिंक है वो आपको आई लिंक पे दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों। उस दोनों वीडियो को आप जाके जरूर अटेंड कीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। और प्यारे बच्चों आज की वीडियो में जितनी बहुविकल्पी प्रश्नों की चर्चा करने वाले प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप अगर आपने ये तीनों वीडियो देखा होगा तो इससे बाहर कहीं भी कोई भी बहुविकल्पी प्रश्न नहीं बनने वाला प्यारे बच्चों। इसलिए 27 फरवरी को तैयार हो जाओ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यूपी बोर्ड के प्रिय विद्यार्थियों तैयार हो जाओ। 27 फरवरी को जो है आग लगा देना विज्ञान में, तोड़ दो फोड़ दो, सारे प्रश्नों को हल करके आना है प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। प्यारे बच्चों जब किसी भी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, तो रेटिना के पीछे बनता है प्यारे बच्चों। और इस दोष का निवारण जो होता है हम लोग उत्तल लेंस करते हैं, उत्तल लेंस लगा के करते हैं। और रेटिना के आगे किसमें बनता है, वो निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए आप प्रश्न नंबर दो की बात करेंगे। प्रश्न नंबर दो क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों क्षमता का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू 1/f होता है, ठीक। f की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 5 मीटर है, तो 1/5 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो क्षमता कितना हो जाएगा, 0.2 डायोप्टर। तो देखिए प्यारे बच्चों 0.2 डायोप्टर, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना, इसलिए माइनस आया, ठीक। अगला क्या, तीसरा प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंद होता है प्यारे बच्चों, तो स्वस्थ नेत्र के लिए जो दूरबिंद होता है वो प्यारे बच्चों वो अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई किसी भी स्वस्थ नेत्र का जो अधिकतम बिंदु होता है वो अनंत होता है। अगला चौथा प्रश्न क्या करा कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिक होता है, मतलब किस रंग में प्रिज्म के द्वारा विचलन सबसे ज्यादा होता है प्यारे बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए कि बैंगनी रंग जो होता है उसमें विचलन सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग जो होता है उसमें विचलन सबसे कम। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस चश्मे का प्रयोग करना चाहिए या किस चश्मे का प्रयोग होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों निकट दृष्टि दोष में हम लोग ऐसे चश्मे का उपयोग करते हैं जिसमें अवतल लेंस लगा हो, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। छठा प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, छठा प्रश्न ये कर रहा है कि प्रिज्म से श्वेत की प्रकाश किरणें, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इससे पहले भी रिपीट हुआ था कहीं ना कहीं, चलिए ध्यान से देखिएगा। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरणें जब क्या होती है कि गुजरती है तो सबसे अधिक विचलन क्या होता है, बैंगनी रंग में होता है प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी बार रिपीट हो गया है तो ध्यान से लिखिएगा। चलिए सातवां प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, सातवां प्रश्न कर रहा है कि 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो प्यारे बच्चों 1 माइक्रो ओम का मान जो होता है वो 10^-6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल करेक्ट है। आठवां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि 1 अश्वशक्ति बराबर होता है, तो प्यारे बच्चों 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। क्या होता है प्यारे बच्चों, 746 वाट होता है, ध्यान दीजिएगा। ओम के नियम के अनुसार धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ बनता है वो किस रूप में प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों हमने पढ़ा कि जो वोल्टेज बढ़ाएंगे त्यों तो करंट भी बढ़ता जाता है, तो इनके बीच जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा होती है, एक सरल रेखा होता है। तो वो देखिए आपका जो ग्राफ है वो एक सरल रेखा में क्या होगा, प्राप्त होगा। दसवां प्रश्न है, परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिपथ में जो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है वो पी इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट ना, तो वी इंटू आई, ऑप्शन नंबर सी क्या है बिल्कुल। चलिए अब हम बात करेंगे सेकंड भाग की, रसायन विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, अर्थात जो हाइड्रोकार्बन संतृप्त होते हैं उसमें क्या नहीं पाया जाता है, एकल आबंध नहीं पाया जाता कि चतुष्फलकीय संरचना नहीं पाया जाता, सीसी आबंध कोण नहीं पाया जाते, कोण नहीं पाया जाते प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये सी डबल बॉन्ड सी है ये आपको उसमें पाया नहीं जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या है प्यारे बच्चों, एसिटिल्डिहाइड ना का आईयूपीएसी नेम क्या है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 4 हो दिए गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो क्या है प्यारे बच्चों, एथेनेल है, एथेनेल है, एथेनेल जो है इसका क्या है, आईयूपीएसी नाम है।
आगे क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। प्यारे बच्चों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, जो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है वो कितना है, C3H8 है, कितना है, C3H8 होता है। उसके बाद चौथा क्या करा कि प्रोपेनॉल है, इनमें से बताओ पहचानो कि इनमें से कौन सा प्रोपेनॉल है। तो पहले बच्चों जो प्रोपेनॉल होता है वो C3H6OH के द्वारा दिखाया जाता है, इसलिए जो प्रोपेनॉल होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। सॉरी गाइस, चौथा प्रश्न जो हम लोग फिर से देखते हैं, प्रोपेनॉल कौन होता है, तो जो प्रोपेनॉल होता है प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर डी है, अर्थात C3H7OH, C3H7OH जो है प्रोपेनॉल होता है। ये ऑप्शन आपका क्या बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। अब हम बात करेंगे पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, कि कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। इनमें से जो चार ठो ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शनों में से देख के बताना है कि कौन सा असंतृप्त यौगिक होता है बच्चों, कौन सा असंतृप्त यौगिक। तो एथिलीन जो होता है, एथिलीन जो होता है वो आपका असंतृप्त यौगिक होता है, ये सब आपके असंतृप्त यौगिक नहीं है। आगे क्या करा, मार्स गैस मुख्यतः प्रयोग होता है, मार्स गैस जो होता है वो मुख्यतः कहां पर प्रयोग होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मार्स गैस जो होता है प्यारे बच्चों वो CH4 अर्थात मेथेन में प्रयोग होता है। अगला क्या, सातवां प्रश्न, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है, प्रोपेनॉल में जो क्रियात्मक समूह है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो जो प्रोपेनॉल होता है उसका क्रियात्मक समूह ये होता है CHO, ठीक। अगला अब आठवां प्रश्न क्या कर रहा है बच्चों, एथेनाइक अम्ल का सूत्र होता है, एथेनाइक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH, CH3COOH। अगला नौवां प्रश्न क्या है, कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या होती है पहले बच्चों, चार होता है। आगे क्या है पहले बच्चों, दसवां प्रश्न है कि एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो क्या होता है पहले बच्चों, तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+, क्या होता है, 2 होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n+2 के इक्वल होता है। अब हम बात करेंगे भाग तीन की, अर्थात बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, उनमें से सबसे पहला प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किसके अधिक समानता है, विकासीय दृष्टिकोण से जो हमारा हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी या मकड़ी या नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चों जो चीन का विद्यार्थी है उससे हम लोगों का ज्यादा समानता होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जाइगोट में, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जाइगोट में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, 2x होता है, क्या होता है, 2x होता है। अब तो प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस समय नहीं करते हैं, तो प्यारे बच्चों जो बादल वाले दिन होते हैं उस समय हम लोग सौर जल तापक का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर चार का, प्रश्न नंबर चार आपसे क्या कर रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, तो प्यारे बच्चों वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस होता है। पांचवा प्रश्न है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का जो है स्रोत है वो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, पेट्रोल होता है। आगे छठा प्रश्न क्या करा कि नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीनकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो है प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जो कि नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। सातवां प्रश्न, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लोहा, चांदी, तांबा या सिलिकॉन, सौर सेल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो प्यारे बच्चों सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न आठवां नंबर क्या है, सूर्य से आने वाली जो यूवी विकिरण है वो हमारी रक्षा करती है, यूवी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है उनसे हमारी रक्षा कौन करता है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए तो जो ओजोन होता है, जो O3 होता है यही हमारी क्या करता है, रक्षा करता है। नौवां प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वही चिपको आंदोलन का क्या किए थे, नेतृत्व किए थे। आगे रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, रक्त में प्लाज्मा की जो है मात्रा होती है, इस बात को ध्यान दीजिए, तो रक्त में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो 60% होता है, कितना होता है प्यारे बच्चों 60% होता है। ग्यारहवां प्रश्न क्या करा, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है,
चलिए 11वां प्रश्न कह रहा कि बाएं अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है कि दाएं अलिंद में कि बाएं नीले में। तो भैया ध्यान से देखिएगा, जो बायां अलिंद होता है उसी में फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, बाएं अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है। 12वां प्रश्न कह रहा कि प्राकृतिक रूप से ठोस ईंधन है, प्राकृतिक रूप से ठोस ईंधन जो होता है प्यारे बच्चों वो क्या होता है, कोयला होता है, कोयला ही तो ठोस रूप में पाया जाता है। अगला 13वां प्रश्न क्या करा कि निम्न में से विषमपोषी नहीं है, इनमें से कौन सा विषमपोषी नहीं है प्यारे बच्चों, तो मनी प्लांट जो होता है ये विषमपोषी नहीं होता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो है भाग 3 के 27 फरवरी को जो होने वाला एग्जाम है उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न साइंस के हमने सॉल्व करा दिया प्यारे बच्चों, जो कि ये वीडियो आपको 3 पार्ट में करके मिलने वाली है। फर्स्ट पार्ट आ चुकी है, सेकंड पार्ट भी आ चुका है, थर्ड पार्ट भी आप लोग देखेंगे पहले बच्चों। तो इन सभी से आपके जितने बहुविकल्पी प्रश्न बताए गए यदि आपको प्रिपेयर करके जाते हो तो इससे बाहर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ सारा प्रश्न आपका तैयार होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोग उम्मीद करते होंगे, उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों कि आप लोग का एग्जाम बेहतरीन होगा और बेस्ट रिजल्ट भी आपका आए। बाय बाय।